मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेजी रेडी हो गई है? यस। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल वी एंड ग्रेस। एंड दिस इज़ आवर थर्ड एंड लास्ट डे इन जैसलमेर। और हम अब तक काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं जैसलमेर का। सब कुछ तो नहीं हो पाया 3 दिन के इस ट्रिप में, बट जितना कुछ भी कवर किया है हमने आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करी है। आई होप आपने हमारे वीडियोज़ को देखा होगा, लाइक किया होगा। और आज जो है, आज हम कवर करेंगे, ऐसा तो कुछ कवर नहीं करेंगे, आज का हमारा ट्रिप रहेगा बस रोड ट्रिप ही रहेगा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं जोधपुर। तो हमारी अगर उस रोड ट्रिप में अगर कुछ अच्छे अच्छे लोकेशंस आए, जैसे कि रास्ते में पोखरण पड़ रहा है और भी कुछ चीज़ें हैं, अगर वो आए तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे जैसलमेर का, हमारा आज का लास्ट ब्रेकफास्ट। तो मिलते हैं आपसे हमारे ब्रेकफास्ट टेबल पे। सुबह का नाश्ता हम जैसलमेर में करेंगे, रात का खाना जोधपुर में करेंगे। So this is our breakfast menu. अरे अच्छा, ये होती है रोकेर, ये सांगरी बोलते हैं इसको, सांगरी। Okay, तो सिर्फ डेकोरेशन पर्पस से है। और ये रे ग्रेस के डोनेट्स। Which one you want? ग्रेस, which one you want? Pink. Pink? बस केक अभी हम लेंगे, केक ले लेंगे। और ये इडली सांभर है यहाँ पर। आज क्या है, स्ट्रॉबेरी शेक का क्या, पपाया स्मूदी एंड फ्रूट। ये क्या है, हलवा एंड दिस इज सूजी ग्रिल्ड टमाटो एंड पीस। पराठा क्या, प्लेन पराठा है? अच्छा, आज आलू पराठा। ये क्या है, भटूरे, सुबह सुबह मैदा, चना दाल, पोटैटो एंड बेग बीन्स। ये आ गया हमारा एनिवर्सरी केक। हैप्पी एनिवर्सरी क्रेशु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यू कुड जॉइन अस, यू कुड वीडियो बना यार। क्रेशु कम बेटा, क्रेशु लो, कैन यू गेट अप, देखो फाइल ले केक। अच्छा मैं कर, ये कर लो, शर्मा गई है वो। अच्छा ये देखो, क्यों करो केक, देखो। राजस्थान में हमारा ये सेकंड एनिवर्सरी का है। काम करो केक से साथ है ना, पुलिस के बेटे। Are you ready? Let's go. So friends, अभी हम रेडी हो चुके हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। जैसलमेर से बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। फ्यूलिंग करवा ली है गाड़ी में। जब आप जैसलमेर आते हैं तो यहाँ पर फ्यूल थोड़ा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू जोधपुर पोखरण।
तो यहाँ से अपना टैंक फुल करवा के आए, और जब आपका टैंक जो खत्म हो जाए उसके बाद ही थोड़ा सा फ्यूल ले, ताकि आप जो यहाँ से अगर आप कहीं जोधपुर निकल रहे हैं तो वहाँ से आप जो है अपना फ्यूल भरवा लें सस्ते में। अराउंड 2 रुपीज का फर्क पड़ेगा पर लीटर। ऑब्वियसली यस बेटा, अगर आप लॉन्ग रूट पर हैं तो ऑब्वियसली आपको जो है फ्यूल की जरूरत तो पड़ती ही है। हाँ, कहाँ जाना ग्रेशु? बीच चलना है। बीच चले? ओके वाटर बीच। ओके बेटा वाटर बीच। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए रामदेवड़ा, तो हम यहाँ पर श्री बाबा रामदेव जी के दर्शन करने आए हैं। तो इन्हें 15th सेंचुरी में श्री कृष्ण जी का अवतार माना गया था, और यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी बाबा रामदेव ने। ये प्रवेश द्वार आ गया। जब आ गए हैं तो एंट्री गेट से ही लग गए थे हमें ये कहने की फ्री पार्किंग है, फ्री पार्किंग है, बट इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आगे ही गाड़ी पार्क कर देते हैं तो आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। और यहाँ पूरा मेला सा लगा हुआ है, ये देखो काफी मानता है। एक्चुअली ये राजस्थान के लोक देवता है बाबा रामदेव जी, तो काफी मानता है इनकी यहाँ पर। ये देखो मेला। बाड़मेर से आए हो आप दर्शन करने? अच्छा अच्छा, अच्छी मानता है यहाँ। हाँ यार, मेरा एक दोस्त राजस्थान का, तो बोला वहाँ जाओगे तो आना उधर रुकेंगे। चलो वो आएंगे, बाबा ने बुलाया तो आ गए। कितने आगे है ये? आगे जाओगे ना? आगे आगे जाते ही बस ऐसे मुड़ जाना, आगे जाते रहो। हाँ जूते वहाँ उतार देना, कोई टेंशन नहीं, कहीं नहीं उतार। लॉक कर दो फ्री हुई हमको, ज्यादा रेट थोड़ी ले रहे हैं। पैसे आप ट्राई करके आते हैं सर, ट्राई करके बाद में पैसे दे देना। इतना विश्वास मतलब क्या, भगवान जी को ट्राई करें हम? तो आप विश्वास रखो हमको ज्यादा पैसे नहीं ले रहे। जो आप इंसान 10-20-50 रुपए की, तो जैसा कि हर जगह होता है, हर मंदिर के बाहर होता है, यहाँ भी दूर से लाइन लग जाती है। और पार्किंग के लिए देखिए, पार्किंग में हुआ दे, ये कह रहे हैं कि भाई यहीं पार्किंग, अगर पार्किंग करनी प्रसाद हमसे लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं पार्किंग डाल लेता हूँ। पूजा ले लो, पूजा समाधि का चल रहा है, रेस का चल रहा है बस। ये क्या है, ये क्या? मेरे ख्याल से ना यहाँ घोड़े जो मतलब जो टॉय है हॉर्स का, उसका चढ़ावा है शायद यहाँ पर। जैसे श्री वाल्मीकि जी मंदिर में वो छोटे छोटे घरों का चढ़ावा था, ऐसे यहाँ पर इस चीज़ का चढ़ावा है। और ग्रेस का मानता है यहाँ की, है ना? हाँ। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे घोड़ा ये चढ़ाते हैं, पता है? मैंने बताया और ये हमने फूल माला ले ली है भगवान जी के चढ़ावे के लिए। तो ये आ गया दरबार मंदिर, यहाँ से बाबा रामदेव की समाधि। में आज मेरे को ज्यादा भीड़ लग नहीं रही, बस यही लाइन है बाकी अंदर जितनी भी एंट्री है। लाइन लगी हुई है, इतनी भीड़ नहीं है। देखिए आप इमेजिन कर सकते हो, मेला लगता होगा यहाँ पर तो कितनी लंबी लाइन लगती होगी, कम से कम भी 4-5 घंटे की लाइन होती है इधर जब कोई मेला होता है। बाबा जी का कुछ वो होता है, समाधि का दिन होता है या फिर कुछ और। पापा, क्या मेला ऐसे देखना? ठीक है?
सो फ्रेंड्स यहाँ से है एग्जिट, तो वहाँ से एंट्री थी, इधर से घूम के आते हैं। मोर जय माता। देखिए यहाँ पर जो जोड़े आते हैं यहाँ से चक्कर भी लगाते हैं कई, और यहाँ पर ये क्या बनाया इधर? अर्जी बाटी है बाबा के पीछे, चाव ढोलते हैं अर्जी बाटी। अर्जी बाटे, अच्छा अच्छा, जो अर्जी लगाते हैं इधर लगाते हैं। हाँ ग्रेशु, ग्रेशु ग्रेस टीका लगवा लो बेटा। अच्छा आ जाओ ग्रेशु, गिर गए, आ जाओ। तो गाइस अभी हम अंदर से जो मेन जो समाधि का स्थल है वहाँ के अभी अभी हम दर्शन करके आए, क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, बट फिर भी आप जो है यहाँ पर लाइव दर्शन कर सकते हैं। अब अगर इस बात की मानता की बात करी जाए तो ऐसा कहते हैं कि 1459 में जो बाबा रामदेव जी थे उन्होंने यहाँ पर समाधि ली थी, और उसके बाद जो है बीकानेर के राजा जो थे गंगा सिंह जी, उन्होंने इस समाधि स्थल के चारों ओर एक मंदिर का निर्माण किया था। तो तभी से ये प्रथा यहाँ के लोकल जो लोग हैं उनमें चली आ रही है, और अब ये प्रथा जो है वो इतनी प्रचलित हो चुकी है कि लगभग पूरे राजस्थान में इसको माना जाता है। कहते हैं कि जो बाबा रामदेव जी थे ये कृष्ण जी का अवतार है, ऐसा हिंदू मानते हैं, और जो मुस्लिम लोग हैं वो भी इन्हें किसी पीर के रूप में पूजते हैं। तो बेसिकली ये स्थान ऐसा है जहाँ पर हिंदुओं की भी मानता है और मुस्लिम लोगों की भी मानता है, तो यही है हमारे इंडिया की यूनिटी। और चलिए इसी के साथ हम आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और मूव ऑन करते हैं जोधपुर की ओर। ओके ग्रेशु, दर्शन किया क्या, कैसे किया, जय जय किया, जय जय, कैसे जय जय करी, जय ऐसे जय जय हिंद किया। ये गूगल धूप है, ये इसको बनाते क्या, फिर क्या कैसे बनाएंगे इसको, ऐसे जला देंगे? बनी बनी तैयार है, कोयला छाना डालो उसके ऊपर रख दो बस। अच्छा धूप है ये। सो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं जोधपुर प्रताप निवास पैलेस में, और अब दो दिन यहीं स्टे करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दिखाते हैं आपको ये प्रताप निवास पैलेस।